सकते हो, धूप नहीं है तो बिना धूप के बना रहा हूँ ज्यादातर। तो पहले मैं आपको फैन चला के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बल्ब जला के दिखाऊंगा, और अगर फिर मैं बाप को आपको दोनों चीजें चला के दिखाऊंगा। ये मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, तो इसकी हवा बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं इसकी हवा, आप देख सकते हैं बादल उड़े जा रहे हैं। तो अगर मैंने आपको इसे चला के दिखा दिया है कि 12 वोल्ट DC का, पीछे इसकी मोटर लगी है, ये तो प्लास्टिक है, इसके अंदर 12 वोल्ट की मोटर लगी हुई है। बात को इनके प्राइस भी बता दूंगी मैं, अब ये लैंप जला के दिखाऊंगा आपको। ये लैंप है, डीसी है, ये देखिए जल रहा है अभी, मतलब सुबह है, ज्यादा देर नहीं जल पा रहा है, रोशनी में बना रहा हूँ वीडियो इसलिए। तो इससे अगर आप जलाएंगे तो बैकअप इसका होगा, 10-12 घंटे हो गए इसका बैकअप, और ये बैटरी अच्छी है। और अब मैं आपको इसकी वोल्टेज पहले दिखा दूँ कि ये बैटरी के पास कितने वोल्टेज है। तब बैटरी चार्ज होती है तो 12.7 वोल्टेज होती है। मेरी बैटरी अभी चार्ज है, देखिए 12.50 वोल्टेज है, देख सकते हैं। अभी अगर मैंने लोड ना उठाया होता तो 12.60 होती, क्योंकि तो आप लोड उठाते हैं तो फिर वो बैटरी की वोल्टेज थोड़ा नीचे गिर जाती है। तो ये सोलर है, इसकी भी अभी वोल्टेज चेक करवा के दिखाऊंगा सोलर की। और अब मैं आपको दोनों चीजें चला के दिखाऊंगा कि ये दोनों चीजें ये बैटरी चला सकती है कि नहीं चला सकती है। चलिए देखते हैं, पहले मैं दोनों चीजों का कनेक्शन कर लेता हूँ। अभी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, ये फैन हम लोगों का चलने लगा है। अभी मैं आपको लैंप भी जला के दिखा देता हूँ, ये देखो लैंप भी चलने लगा, फैन भी, आप दोनों चीजें चला सकते हैं। तो अगर आप रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं और दोनों चीजों का लगाते हैं तो 1 घंटा दोनों चीजें चलेंगी, पंखा 1 घंटा चलेगा लेकिन बल्ब जल जाएगा और देर तक। तो सोलर का मेनली ज्यादा काम नहीं था लेकिन आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। और अभी सोलर की वोल्टेज ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि मतलब कि अभी धूप नहीं है, छाया में रखी हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं 11 वोल्टेज आ रही है, अभी 10.99 वोल्टेज है। तो अभी मतलब छाया हो गई है और रात होने वाली है तो कम हो गए वोल्टेज। नॉर्मली इसकी वोल्टेज 15 वोल्ट होती है जिससे ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो फिर इनके प्राइस मैं बता देता हूँ, ये बैटरी मुझे मिली थी 250 की, ये बैटरी मुझे मिली थी। ये फैन 200 का है, ये 20-30 रुपए में आसानी से बन जाएगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक LED का प्रयोग किया, ये देखिए ये LED है, यही जलती है, इसमें कोई आंखों में वो प्रभाव नहीं पड़ता इससे। और आप देख सकते हैं वो सोलर है, ये मुझे 300 में बन गई थी। तो ये